80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो अगर सरकार ने ठेका नहीं लिया? क्यों सरकार ठेका ले रही है? पांच साल क्यों एक्सटेंड कर दिया सरकार ने? वो इसलिए देती है गरीब है, हर किसी के पास वो नहीं होता है जो कार्ड होता है राशन कार्ड होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। जो गरीब होगा उसी के पास होगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। जो बिजनेस चला रहे हैं MBA जिनके बेटे कार में घूम रहे हैं उनको नहीं मिलता है ये सब, ठीक है। तो मतलब कहने का यही हुआ ना कि मोदी राज में 80 करोड़ लोग गरीब है, तो तरक्की किस बात की हुई? तरक्की किस बात की हुई? नौ साल में तरक्की किस बात की हुई ये बताओ। बस फिर वो लोग गरीब नहीं है, गरीब है लेकिन भाई देखो उनकी आमदनी कम है, वो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग अनपढ़ हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो मतलब तो मोदी राज में 9 साल हो गए, मोदी राज में 80 करोड़ लोग गरीब है, 80 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, फिर भी तुम्हें मोदी राज तरक्की चाहिए? तो तरक्की अनपढ़ भी तुम्हें मंजूर, भूखे भी तुम्हें मंजूर है, 80 करोड़ गरीब भी तुम्हें मंजूर, 5 किलो का राशन खा खा के तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हारी मौज हो गई, उससे ऊपर तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो भैया क्या कर रहे हो फिर? क्या चाहिए, क्या कर रहे हो देश में? आपको क्या चाहिए कांग्रेस से? क्या चाहिए कांग्रेस की वजह से आज मैं खड़ा हुआ हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आपको, खुल के कहता हूँ, जो मुझे कांग्रेस ने दिया वो बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी मेरा बिजनेस खा गई, पर्सनली मेरा बिजनेस खा गई, और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का बिजनेस खा गई, काम धंधे खा गई। मोदी राज में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, जो वो खुद दे रहे राशन क्यों दे रहे? क्योंकि गरीब हो गए। और कांग्रेस राज में 2014 तक किसको राशन फ्री दिया जाता था बताओगे? तब वो गरीब कहां थे? तब वो सब भूखे मरते थे, पेट पे पट्टी बांध के सोते थे। क्यों नहीं दे रहे थे वो? उनमें खाने कमाने की बुक्कत थी ना, उनमें कमाते थे ना वो 2014 से पहले सब कमा के अपना पेट भर रहे थे ना। 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट आई, बेरोजगारी बढ़ी, काम धंधे खत्म हुए, तभी वो लोग भुखमरी के शिकार हुए, तभी उनको 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है ना। तो फिर हाँ भी कर रहे हो ना भी कर रहे हो? एक मिनट, पहले ये बताओ जो पहले थे, पहले कीमत भी कम थी और जो जनसंख्या वो भी कम थी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई कीमत भी बढ़ेगी उसके साथ, ठीक है। तो पहले अब कीमत भी बढ़ेगी और इसमें कोई गलत नहीं है कीमत बढ़ना, ये आके भाई कीमत बढ़ेगी। मानो जो आपकी प्रॉपर्टी है, पहले जो 10 साल कितनी थी, आज उसका कितना? प्रॉपर्टी बेच के मैं रोटी खाऊंगा रोज? मैं अपनी प्रॉपर्टी की एक ईंट बेच के मैं रोटी खाऊंगा? मेरे पास काम धंधा है नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी तो मैंने खरीद ली, मेरे बाप दादा ने मुझे दे दी है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी जी को प्रॉपर्टी तो बनी बनाई मिल गई, PSU उनके सारे मिल गए, ठीक है जी, सब कुछ मिल गए हैं, उसके बाद मैं उन्हें कहा खाऊंगा बेच बेच के? मेरे पास काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी पे रेट के रोज 2 ईंट निकाल के उसमें से बेच दूं और मैं पेट भर लूं, हैं? ये कहना चाहते हो? हाँ, 1.5 लाख कमाता है, 1.5 लाख वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है, जो महीने के 9,000-8,000 कमा रहा है दिक्कत उसे होती है। और मोदी ने उनके लिए महीने के 8,000 जो 8-9 हज़ार के लिए राशन फ्री किया है मोदी ने उनके लिए। तू अपनी बातों में खुद उलझ जा रहा है यार, एक तरफ कह रहा है कि गरीब नहीं है, एक तरफ कह रहा है कि गरीब पड़ गए, एक तरफ कह रहा है गरीब ही नहीं है, गरीबों को राशन दे रहे हो तो अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ कह रहा बुरा कर रहे हैं, कहना क्या जा रहा है? एक स्टैंड तो रखे, तीन लेवल के, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो लेवल, ठीक है। तो जो लो है उनके ठीक है, मिडिल क्लास है जैसे काट लेता है। जिस दिन कांग्रेस आ गई ना उस दिन क्या भूखे मरोगे, नंगे मरोगे अभी तुम खा रहे हो ना वो भी नहीं खा पाओगे। आगे आ जा, आगे आओ बेटा, आगे आओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है? 19 साल का। और आज मैंने पढ़ा लिखा के ना, सुनो मेरी बात, कैट का उसने पिछले साल एग्जाम दिया था, आज वो IIM में MBA कर रहा है मेरा बड़ा। और बड़ा बेटा जो है ना मेरा, अमेरिकन कंपनी में 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, उन्हें मैंने पढ़ा लिखाया, कांग्रेस के शासन के राज्य में जो बने थे स्कूल उनमें पढ़ाया लिखाया। तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 50 साल की मेरी उम्र हो गई है, अच्छा खासा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ तुमने बोला, मैंने यूं बोला कि इतना भूखे मर जाओगे जिस दिन कांग्रेस आ गई। मैं खुद कांग्रेस के शासन में पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, अच्छा भला कमाता हूँ, सीधी सी बात है, कहाँ से मैं भूखे मर रहा हूँ, काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ऐसे लोग लाते हैं भूखे मरते फिर, ठीक है। आधार मोदी, गरीब मोदी, ये बात है। मोदी ने आज तक जो मोदी ने जो किया वो कोई नहीं कर पाएगा। मोदी की नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी के लिए इतिहास बनेगा, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में लिखी जाएगी नोटबंदी, अच्छा फैसला।
नोटबंदी अच्छा फैसला था? लाइनों में कौन लगा, बड़ा आदमी लगा लाइनों में। हाँ क्या, अच्छा क्या अच्छाई थी, क्या अच्छाई थी, क्या अच्छाई थी, अच्छाई तो क्या? इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था किसानों के बारे में, ये सब नहीं दिया, वो सब नहीं दिया, और सरकार ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि घर घर आके सबको खिलाए खाना। ठीक है, आप तो दे रहे हो, आप तो जो डेढ़ लाख एक बेटे की वारी इनकम, बात क्यों कर रही हो? मैंने अपनी बात कब रखी? मैं तो कह रहा हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे मोदी सरकार से शिकायत है। फसल मत जाइए, मुद्दे पे बात कीजिए। जवाब बोला उसका जवाब दिया मैंने। कितनी बार उनकी आप कितनी बार उन्होंने बोला मोदी जी ने क्या किया वो बात करिए। मोदी ने बहुत कुछ किया है, और मैं कह रहा हूँ आज जो मोदी ने किया ना कोई नहीं कर पाएगा। सीधा पांच काम बता दो, पांच काम। मोदी जी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, ये सही कह रहा लड़का कि मोदी जी ने जो काम करा वो कोई नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने 2014 तक बेरोजगारी का जो आंकड़ा था, मोदी जी के राज से पहले बेरोजगारी आंकड़ा 2.7 होता था, मोदी जी के आने के बाद से वो 6.7 हो गया। ये मोदी जी में पहली अचीवमेंट। 2014 से पहले गरीबों की संख्या मात्र 22 करोड़ थी, बीपीएल परिवारों की संख्या, मोदी जी के आने के बाद से वो संख्या 22 करोड़ से बढ़ के आज 80 करोड़ क्रॉस कर गई है। ये मोदी जी के राज में हुआ। 75 साल के संसद के इतिहास में आज से पहले किसी सांसद को किसी दूसरे सांसद ने भड़ुआ कटुआ मुल्ला उग्रवादी और आतंकवादी कभी नहीं बोला। 75 साल के संसद के इतिहास में मोदी जी के राज में ये भी काम हो गया। उससे पहले कभी मोदी जी के राज में लड़कियों को निर्वस्त्र करके जो परेड कराई गई और उस पर मोदी जी का मुंह नहीं खुला, ये 75 साल में कभी नहीं हुआ, ये मोदी राज में हुआ। ठीक है जी, उसके बाद जितनी भी आप इन्फ्लेशन देख लो वो सारी मोदी राज में। नोटबंदी का तो कह रही है तो इनको समझ ही नहीं आई बात, जो भी आतंकवाद खत्म हो गया, ये हो गया आतंकवाद खत्म होने के बदले और बढ़ गया। 44 सैनिक एक साथ शहीद हुए 2019 में, वो इनको नहीं दिखेगा, ये मोदी राज की अचीवमेंट है। हिंदू मुस्लिमों के बीच में आज इतनी खाई बढ़ चुकी है, वो इनको नहीं दिखेगा, इन्हें कोई मतलब नहीं। जय श्री राम का नारा लगाना, मैं भी लगाता हूँ जय श्री राम का नारा, मैं भी रोज सुबह शाम लगाता हूँ, पर मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि मैं किसी दूसरे को जबरदस्ती जलाने के लिए चढ़ाने के लिए मैं जय श्री राम का नारा लगाऊँ। मेरे श्री राम है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, मैं नारा सुबह से शाम तक लगा रहा हूँ, लगाऊंगा। लेकिन मोदी जी के राज में क्या होता है, जुलूस निकल रहे होते हैं मस्जिदों के आगे से, जुलूस निकल रहे होते हैं, वहाँ तलवारें लहरा लगा के जय श्री राम का नारा लगा के दूसरे समुदाय को भड़काया जाता है। फिर जब झगड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद दोष दिया जाता है कि देखो जी इन्होंने पत्थर मारा, इन्होंने ये करा, जबरदस्ती लड़ाने का काम हो जा रहा है। हर दूसरे दिन मोदी जी का बयान किसी भी बात पे नहीं आता। मणिपुर पे निर्वस्त्र लड़कियां हुई, उनके ऊपर बयान नहीं आया मोदी जी का। लेकिन राजस्थान में एक घटना हो गई थी, उसके ऊपर सारा का सारा मीडिया चैनल, पूरा गोदी मीडिया, पूरा सारा का सारा शुरू हो गया। मैंने बोला तो सही, मैंने बोला कि राजस्थान में हुआ था, अगले 48 घंटे के अंदर सारे के सारे पकड़े गए थे, और राजस्थान में जब हुआ तो जबरदस्त तरीके से उछाल दिया उसको। जब मणिपुर में हुआ तो 5 महीने तक तो उनकी आवाज ही नहीं निकली। संसद में गए मात्र 38 सेकंड की उन्होंने बात करी, मणिपुर और ये और वो, उसके बाद सब गोलबंदी। आज तक वहां पे कोई कदम नहीं उठाए गए। बार बार सेना के डिप्लॉयड करने की वहां पे वो करी जा रही है पुरजोर कोशिश के, भाई सेना वहां पे भेजो जो सिचुएशन को कंट्रोल करे। वहां के मुख्यमंत्री आता है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, यहाँ से उसने कागज निकाला जेब से, ऐसे करके ये करके कागज निकाला उसने, उधर से एक लेडी को भेजा, लेडी ने ये पकड़ा और कागज फाड़ दिया, मेरा इस्तीफा फाड़ गया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों भैया, दोबारा नहीं दे सकता, दोबारा इस्तीफा टाइप नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा वो भगवान राम का राम बाण था कि जो चल के वापिस ही नहीं आएगा कि तेरा इस्तीफा दोबारा नहीं हो सकता। बोलेंगे कुछ या नहीं? चलिए, बहुत लोगों ने एक बात मुझे बोल लेते, एक ही बात बोलूंगा मैं। भाई बोला कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ना दरगाह में खुदा रहता है ना मंदिर में भगवान रहता है। मंदिर दरगाह बनाने से हमारा विकास नहीं होगा, सही है ना, खाना मिलेगा, जो भी होता है दिल में रहता है, सही है, जो भी है। हम लोगों ने अपनी राय दी है, अब देख रहे हैं क्या होता है 24 में, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।